मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने आज रेसिडेंसी कोठी में पत्रकारों से चर्चा की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों की जानकारी सावेर में नर्मदा प्रवेश हुआ है। हर हर मोदी घर घर तुलसी के तहत प्रत्येक घरों में एक तुलसी का पौधा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी किसान है, उसके उठान का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि 272 गांवों को लेकर एक बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सावेर में हर घर नर्मदा आएगी। 2400 करोड़ की लागत से इंदौर खरगोन में यह विकास किया जाएगा। लगभग 43 गांव सिंचाई के लिए नर्मदा गंभीर योजना के माध्यम से सिंचित किए जा सकते हैं। अति शीघ्र इस योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा। नर्मदा योजना के आने से किसान शक्तिशाली बनेगा तो प्रदेश भी उन्नति करेगा। उज्जैनी शिप्रा लिंक के पीने के पानी का जल स्तर तो बढ़ गया है। भूमि पूजन शीघ्र मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इस पूरी योजना में लगभग 2400 करोड़ की लागत लगेगी। दिग्विजय के बयान टाइगर के शिकार पर बोले मंत्री तुलसी, कांग्रेस की सरकार बनाने में सिंधिया जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सिंधिया वो ताकत है कि जिसने पूरी कांग्रेस को सड़क पर लाकर रख दिया है। सरकार का खजाना खाली है। बड़ी महामारी कोरोना काल में 2900 करोड़ फसल बीमा माफ किया है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चा के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय जिले के अध्यक्ष राजेश जी, शहर के अध्यक्ष, युवा शक्ति परिवर्तन लाती है तो नाम भी गौरव और काम भी गौरव जैसा, क्योंकि परशुराम जी का वास हो, वाणी में सरस्वती हो। क्यों शर्मा जी, रजनीश जी कहाँ हैं, आलोक जी। वाकई में आज का दिन इस मालवा अंचल के लिए एक ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। गौरव का दिन इसलिए कि हमारा प्रदेश, हमारा देश 70% ग्रामीण अंचल में बसता है। हम मध्य प्रदेश के समग्र विकास की कल्पना तभी कर सकते हैं जबकि मध्य प्रदेश की बुनियाद, मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी जो हमारा अन्नदाता है, उनका विकास हो। उस कड़ी में, उस दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय, आपको याद होगा, नर्मदा मैया सावेर चलो, कई दिनों से ये मैं प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि वो पवित्र दिन, ये अवसर, ये दिन भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को कब मिलेगा। कल वो दिन मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में एक बैठक 272 गांवों को लेकर नर्मदा सिंचाई योजना के नाम से, सारे आला अफसर यहाँ उपस्थित हैं, सारे इस विभाग के एक एक दिन, एक एक पल समीक्षा करता था, ऊपर से लेकर नीचे से रोज पूछता था किस योजना का क्या हुआ। निरंतर मुख्यमंत्री जी से जब हमारे लोग, हमारे परिवार के लोग जो कई वर्षों से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे, जिस प्रकार से मैंने भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित की थी, कई वरिष्ठ सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और हमारे जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, शर्मा जी के समक्ष, उन्होंने उस दिन कहा था कि एक एक घर, एक एक गांव नर्मदा का जल जाएगा। उसी संदर्भ में कल हमने बैठक की। प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी, दोनों मुख्य सचिव जी इकबाल सिंह जी, केसरी जी और सारे आला अफसर थे, उसमें निर्णय लिया। लगभग ये 2400 करोड़, लगभग 2400 करोड़ की योजना
272 गांव को सिंचाई, पीने का जल, उसमें खरगोन जिला, उज्जैन और इंदौर जिले को इस योजना का लाभ मिलेगा। आप जानते हैं कि नर्मदा मैया आज ये जो उद्योग की नगरी है, कला की नगरी है, शिक्षा की नगरी है, स्वास्थ्य की नगरी है, आज नर्मदा मैया इंदौर नहीं होती, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर आज नर्मदा मैया के आशीष से ये विकास और प्रगति देश में अपना स्थान रखता है। लगभग 43 गांव सिंचाई के पहले से, हमने आपको पता है नर्मदा गंभीर योजना, नर्मदा मालवा गंभीर परियोजना के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।